हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एंड केमिस्ट्री एकेडमी। तो आज स्टूडेंट हम जो है क्लास इलेवेंथ का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इससे रिलेटेड अपने लेक्चर को यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। और स्टार्टिंग से ही आपका जो इलेवेंथ का कंटेंट है वो लेक्चर वाइज यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की साइड में। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको एक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पर कि मैक्सिमम बच्चे हमारे यहाँ पर क्या होते हैं कि उनको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो केमिस्ट्री से रिलेटेड उनको होना चाहिए वो नेसेसरी। जैसे केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, मान लीजिए आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हो लेकिन आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं पता है तो फिर आपका सब्जेक्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, उसके बारे में डिस्कस करें। तो सिंपली इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of matter, its chemical composition and its physical and chemical properties, and the change which it undergoes in energy and composition during various processes. It is also called study of element and molecules and their transformation. So simply यहाँ पर आपको ये word याद रखना है, it is also called study of elements and molecules and their transformation. तो यानी जो केमिस्ट्री के अंदर बेसिक जो आपकी लाइन है वो आपको याद रखना है, इट इज आल्सो कॉल्ड स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका बेसिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन है, आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। क्लियर? चलो अब सबसे पहले जो हम बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर जो पढ़ते हैं वो मैटर पढ़ते हैं, यानी स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि मैटर होता क्या है, तो मैटर के अंदर दो पार्ट रहते हैं हमेशा, वन इज स्पेस से रिलेटेड रहेगा और दूसरा आपके पास क्या रहेगा, मास से रिलेटेड। ठीक है, बिल्कुल समझ आ रहा है। तो जैसे मैटर के बारे में यहाँ पर देखोगे, मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी इस दुनिया के अंदर जितने भी आपके पास मैटर सब्सटेंस होंगे उनके लिए बेसिक कंडीशन है कि एक तो मास होना चाहिए और स्पेस ऑक्यूपाइड करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। ये आपके पास क्या रहता है, मैटर की डेफिनेशन। तो अगर हम अपने आप से पूछे कि वी ऑल आर मैटर, तो सिंपली आपको कह देना यस, क्योंकि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो आपके पास खुद का मास भी होता है और स्पेस ऑक्यूपाइड करने की टेंडेंसी भी रहती है। तो ऑल पीपल, लिविंग पीपल्स आर मैटर। क्लियर है? क्लासिफिकेशन इसके दो कैटेगरी में डिवाइड है, फिजिकल और साथ ही साथ केमिकल। ठीक है, अब फिजिकल के अंदर ये आपने नाइन्थ में, एट्थ में, सेवन्थ में बहुत सारी क्लास में जरूर पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन तीन कैटेगरी में है आपके सिलेबस में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर? उसके साथ अगर हम बात करें केमिकल की, तो केमिकल के अंदर दो पार्ट है, एक तो है जी प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस के अंदर भी दो पार्ट है, जैसे कंपाउंड और एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट्स के पार्ट है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिक डिफरेंस क्या रहता है एलिमेंट और आपका क्या नाम कंपाउंड के अंदर, तो आपको सिंपल से याद रखना है कि एलिमेंट क्या होता है, आपके पास जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सिंगुलर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये सिंगुलर जो स्पीसीज होती है वो आपके एलिमेंट्स। जैसे कंपाउंड की बात करें, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स लाइक H2, NH3। क्लियर? इस तरीके के जो स्पीसीज आपके पास होंगे। बात समझ आ रही? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आज हमने थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको दिया, बेसिक केमिस्ट्री के आपके जो रिक्वायरमेंट है, जैसे केमिस्ट्री की डेफिनेशन, आपको ये लास्ट वाली लाइन आपको पेपर के लिए याद करना है या फिर किसी भी कंपटीशन के लिए, इट इज आल्सो कॉल्ड स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मैटर की डेफिनेशन होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हो गया, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है? तो वन बाय वन टॉपिक वाइज हम इसको स्टडी करें। क्लियर है? तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आशा करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी ही आपका आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।